Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing good. This is our 19th lecture of the information security, and today's our topic is key management in cryptography and your information security. ठीक है, की किस तरह हम मैनेजमेंट करते हैं. सो दिस इज ओवर लास्ट वीक एंड और लास्ट लेक्चर स्टार्ट चल रहे हैं हमारे. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पीछे से भी जो आपके कोई कॉन्सेप्ट हैं ओवरऑल सब्जेक्ट के आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएँ. ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इसको इसमें जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी हैं उनको अगर कोई वर्ड ऐसे यूज़ हो रहे हैं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएँ. इसके बाद आपका जो सेमेस्टर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, आपके लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे और आपके फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक की मैनेजमेंट इन क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ही पार्ट है, कह लें कि सिक्योरिटी को ही क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, आगे चलते देते हैं व्हाट इज़ की मैनेजमेंट. हम इसमें पढ़ेंगे की मैनेजमेंट क्या है, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट की मैनेजमेंट, हम की मैनेजमेंट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पेश आई है, एंड की मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हुए हम की मैनेजमेंट करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, एंड की मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, कि की मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल जो है सारी. व्हाट इज़ की मैनेजमेंट. की मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल की मैनेजमेंट क्या है, की मैनेजमेंट जो है डेफिनेशन इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उस पर चलते हैं हम. Key management is a set of technique and procedures supporting the establishment and maintenance of keying relationship between authorized property parties. कि key management जो है वो different techniques हैं, ऐसे procedures हैं जो के support करते हैं और establish करने में help करते हैं different keys के relationships को between. अब देखो authorized party different, आप हैं एक पार्टी, आपके पास आपके लैपटॉप की ऑथेंटिकेशन है, एक पार्टी मैं हूँ, मेरे पास ये ऑथेंटिकेशन है, डिफरेंट पार्टीज हैं हमारे दरमियान जो ऑथराइजेशन है, हमारे पास ऑथराइजेशन किसी चीज़ की जो है, इनमें जो की रिलेशनशिप्स हैं आपकी जो की हैं या पब्लिक है या प्राइवेट है, जो मेरी की हैं पब्लिक है प्राइवेट है, उन की को के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मेनटेन करना, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनको सपोर्टिंग, किस तरह उनकी सपोर्ट कर सकते हैं हम, किस तरह उन डिफरेंट प्रोसीजर्स और टेक्निक के थ्रू उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, डेट इज़ द की मैनेजमेंट. मैंने एक वर्ड को लेके समझाया, इन शॉर्ट कीवर्ड वो होता है कि डिफरेंट कीज के दरमियान जो रिलेशनशिप, तो कुछ प्राइवेट की है पब्लिक की हैं, उनको आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं, उनकी उन कीज की को मेंटेन करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स या प्रोसीजर यूज़ करते हैं, डेट इज़ द की मैनेजमेंट, कि हमने किस तरह की को मैनेज करना है, किस तरह हमने इसको मेंटेन करना है. ठीक है, इन शॉर्ट अ वर्ड, वो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि की मैनेजमेंट समथिंग अबाउट की एंड समथिंग अबाउट इट्स मैनेजमेंट और एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, तो वही इनको हमने इन फॉर्मल वर्ड में दिया है कि की मैनेजमेंट है वो डिफरेंट प्रोसीजर और टेक्निक हैं जिस जो कि हम सपोर्ट करते हैं एस्टेब्लिश करने में डिफरेंट की रिलेशनशिप्स. अ की रिलेशनशिप इज अ स्टेट वेयर इन कम्युनिकेशन एंटिटीज शेयर कॉमन डाटा. जो की ऑब्वियसली कॉमन डाटा ही शेयर करती हैं जो डिफरेंट पार्टीज हैं. ठीक है, उनके पास कीज होती हैं. ठीक है, जैसे कीज डिफरेंट की मटीरियल होगी टू फैसिलिटेट क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक को फैसिलिटेट करने के लिए. दिस डेटा में इंक्लूड पब्लिक और सीक्रेट की, इसमें पब्लिक और सीक्रेट की यूज़ होती है, इसमें इनिशियलाइजेशन यूज़ होती है, इसमें वैल्यू और एडिशनल नॉन सीक्रेट पैरामीटर्स जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं. इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, पब्लिक और सीक्रेट की, यानी पब्लिक और प्राइवेट की, इनिशियलाइजेशन वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज़ एंड एडिशनल नॉन सीक्रेट पैरामीटर्स जो कि सीक्रेट पैरामीटर्स नहीं होते, जो आपके पब्लिक पैरामीटर्स होते हैं, जो आपके सबको पता होते हैं, उन पैरामीटर्स वो भी इंक्लूड होते हैं इसके रिलेशनशिप को डेवलप करने में, कम्युनिकेशन एंटिटीज़ को डेवलप करने में. क्लियर, नेक्स्ट है व्हाट इज़ की मैनेजमेंट. उसमें है की मैनेजमेंट
इनकॉम्पास द टेक्निक एंड प्रोसीजर सपोर्टिंग, जो कि सपोर्ट करता है इनिशियलाइजेशन ऑफ सिस्टम यूज़र विद इन डोमेन, के इनिशियलाइज करता है सिस्टम यूज़र को डोमेन विद इन अ डोमेन, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कीइंग मटीरियल, कि डिस्ट्रीब्यूशन है इंस्टॉलेशन है डिफरेंट कीइंग मटीरियल्स का, कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ कीइंग मटीरियल, डिफरेंट की मटीरियल्स को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, अपडेट किस तरह किया जा सकता है, रिवोकेशन कैसे है, उनको डिस्ट्रक्शन कैसे की जा सकती है, सारे मटीरियल जो की में यूज़ होते हैं उनकी हेल्प हो किस तरह, अगर स्टोरेज हम स्टोर करते हैं कुछ चीज़ें अपने में सेव करते हैं मोबाइल में, बैकअप रिकवरी, आपको समटाइम्स याद आपको ऑप्शन आ रही होती है कि व्हाट्सएप रिकवरी, आपकी जो चैट होती है उसकी रिकवर हो रही होती है, कुछ आप मोबाइल को जब रीसेट करते हैं अपना सारा डाटा बैकअप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें की मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं, और आर्काइवल ऑफ कीज मटेरियल, डिफरेंट कीज मटेरियल को आप किस तरह मैनेज करते हैं, उनको इनकम्पस कैसे कर सकते हैं, समटाइम्स आप जिप फाइल करके सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी जो है स्टोर करते हैं आप रिकवर अपना डाटा करने के लिए, समटाइम्स आप जीमेल के थ्रू अपना डाटा रिकवर कर रहे होते हैं, आपका डाटा सारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया या कोई ऐसी इसमें वायरस आ गया था कि आपका, फिर आप उसको रिकवरी की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है, अपना सारा डाटा रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड हैं, की मैनेजमेंट में। ओके, नेक्स्ट है व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट की मैनेजमेंट, ठीक, की मैनेजमेंट के बारे में हम क्यों बात करते हैं, ठीक है, उसमें वो कह रहा है मोस्ट अटैक एम्ड एट की मैनेजमेंट, बहुत सारे अटैक जो हैं वो की मैनेजमेंट में आते हैं, लेवल रेदर देन क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इटसेल्फ, कि की मैनेजमेंट में बहुत सारे अटैक होते हैं जबकि जो आपके एल्गोरिथम यूज़ होते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या क्रिप्टोग्राफी में वो नहीं, लेकिन की मैनेजमेंट में बहुत सारे अटैक्स आते हैं, इसलिए हम इसकी बात करते हैं ताकि हम उन अटैक से बच सकें, जैसे मैंने भी बताया था कि डाटा रिकवरी बैकअप वगैरह ये सारे की मैनेजमेंट में आते हैं ना, तो हम उन अटैक से बचने के लिए अपने पास कोई सल्यूशन में चीज़ें रखें, की मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव थ्रेट एंड पॉलिसी, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से थ्रेट्स और इसकी पॉलिसीज जो हैं, जब हम थ्रेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तब भी की मैनेजमेंट आते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं तब पॉलिसीज के बारे में, तो इसलिए हम की मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, यही ताना उन्होंने कहा कि हम की मैनेजमेंट के बारे में क्यों बात करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव जो हैं की मैनेजमेंट के बात करने के, वो क्या हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ की मैनेजमेंट इज़ टू मेंटेन किंग रिलेशनशिप एंड किंग मटेरियल इन मैनर डेट काउंटर रेलिवेंट थ्रेट्स, ऑब्वियसली वही बात आ गई कि डिफरेंट थ्रेट्स से को जवाब देने के लिए, डिफरेंट थ्रेट से बचने के लिए हम की मैनेजमेंट को मेंटेन करते हैं ताकि डिफरेंट कीज के रिलेशनशिप हैं उनको मेंटेन किया जा सके, ठीक है, डिफरेंट मैनर में। इन प्रैक्टिस एन एडिशनल ऑब्जेक्टिव इज कन्फर्मेंस टू रेलेवेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, और डिफरेंट जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उनके जो रिलेटिवली कन्फर्मेंस हैं उनको भी हम ऐड करें, ठीक है, उनकी भी प्रैक्टिस की जाए ताकि हम डिफरेंट जो हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज हमें उनके बारे में पता हो, हम उन पॉलिसीज को फॉलो करने में लोगों को भी अवेयर करें और ख़ुद भी, ठीक है। आगे व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट की मैनेजमेंट, हम थ्रेट्स में क्या चीज़, एक चीज़ आगे हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, थ्रेट्स में क्या है, कंप्राइजिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेट की, अब हमारे पास कुछ की सीक्रेट कीज होती हैं, कुछ डाटा हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है उसमें हम कंप्रोमाइज़ करें, वो हमारा हैक भी हो सकता है, वो हमारा पब्लिक भी हो सकता है, हमारी जो जैसे कि आपने कहा, मैंने बताया था कि आपके मोबाइल में डिफरेंट कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, डिफरेंट कॉन्फिडेंशियल मैसेज होते हैं, ठीक है, तो अब वो पब्लिक वो पता चल जाए सबको, आपका मोबाइल का पासवर्ड हैक आउट हो जाए, ठीक है, तो ये थ्रेट्स हैं, ठीक है, कि आप जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते वो आप लूज़ कर दें, क्लियर। सेकेंड थिंग है कंप्रोमाइजिंग ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ सीक्रेट और पब्लिक की, आपकी जो प्राइवेट और पब्लिक की है उसकी ऑथेंटिसिटी ना रहे, ऑथेंटिकेट ना रहे, अब पता ही नहीं है कि ये ऑथेंटिकेट है, वैलिडिटी है कि नहीं इसकी, ठीक है, उस पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अनऑथोराइज यूज़ ऑफ पब्लिक और सीक्रेट की, डिफरेंट पब्लिक और प्राइवेट या सीक्रेट की हैं उनको कोई भी अनऑथोराइज पर्सन यूज़ कर सकता है, उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, कोई बंदे की अथॉरिटी नहीं भी है उसको यूज़ करने की तो वो भी उसको यूज़ करेगा, ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ थ्रेट। आगे है
सिक्योरिटी पॉलिसी के, सिक्योरिटी की पॉलिसी के बारे में हम क्या बात करते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली डिफाइन द थ्रेट अ सिस्टम इन इंटेंडिंग टू एड्रेस। ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली यानी विद इन एंड विद बाहर से भी वो डिफाइन करती है डिफरेंट थ्रेट्स को, उनके एड्रेसेस को, कि जो विद इन एड्रेस हो रहा है थ्रेट हो रहा है और बाहर से भी जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनको वो आइडेंटिफाई करती है, उनको उनको बताती है कि उनकी पॉलिसी बनी हुई है कि ये सिक्योरिटी की कि इसको आप रूल को ब्रेकआउट नहीं कर सकते, इस यहाँ तक आपकी जैसे कोई हद मुकर्रर होती है ना, यहाँ पे आपकी उनकी लिमिट मुकर्रर कर दी जाए। ठीक है, आगे सिक्योरिटी पॉलिसी में इफेक्ट द स्ट्रिंजेंसी ऑफ क्रिप्टोग्राफिक रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन क्वेश्चन टू वेरियस टाइप ऑफ अटैक। ये सिक्योरिटी पॉलिसी में वो कह रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं कि डिफरेंट क्रिप्टोग्राफी रिक्वायरमेंट्स डिपेंडिंग जो हो रही हैं और उनके इन्वायरमेंट वगैरह उन पे भी जो अटैक होते हैं उनसे भी हम उस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमें अफेक्ट करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंट को, डिफरेंट जो क्वेश्चन हैं उनको भी अफेक्ट करेंगे। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट में सिक्योरिटी पॉलिसीज आल्सो टिपिकली स्पेसिफाई प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स टू फॉलो इन कैरिंग आउट टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ की मैनेजमेंट बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट की मैनेजमेंट के लिए दो मेथड हैं, ऑटोमेटेड भी है एंड मैनुअल भी है। ऑटोमेटेड मतलब डिफरेंट हम टेक्निक्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, और मैनुअल में जो हम खुद बाय हैंड करें, डैट इज़ द प्रोसीजर, कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर को हम फॉलो करें डिफरेंट टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच पार्टी इन्वॉल्व, इसमें डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आपका डाटा किस तरह थ्रेट से बचा रहे, ठीक है, कितना वो कॉन्फिडेंशियल रहे, कितना वो ऑथेंटिकेट रहे। द टाइप ऑफ टिकोड टू बी केप्ट टू सपोर्ट सब्सिक्वेंट सपोर्ट और रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी रेलेवेंट डिफरेंट, वो कहने के सपोर्ट सब्सिक्वेंट और डिफरेंट रिव्यूज हैं जिससे रिलेटेड हम इवेंट आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, की मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है थ्रेट्स के बारे में डिस्कस करना, जब सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करना, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे उनके बारे में डिस्कस करना, तो ये चीज़ें जो हैं हमारी ज़रूरी हैं। और सिक्योरिटी जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उनमें डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं ऑटोमेटेड और मैनुअल वो भी बहुत ज़रूरी हैं, और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटेबिलिटीज़ को और स्पोर्ट्स सब सीक्वेंट और रिपोर्ट्स वगैरह जो हम रिव्यू देते हैं किसी चीज़ के बारे में वो भी इसमें इंक्लूड हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द की मैनेजमेंट। अब की मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन सी हैं उनको देख लेते हैं कि अच्छा, पब्लिक की असिमेट्री की टेक्निक, पब्लिक की है सिमेट्रिक असिमेट्री की, आपको याद होगा अभी सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की हमारे तो सिमेट्रिक की जिसमें एक ही की होती है पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट की होती है। ठीक है, जो इंक्रिप्शन में भी यूज़ होती है और डिक्रिप्शन में, लेकिन एसिमेट्रिक में दो की होती हैं पब्लिक एंड प्राइवेट, इंक्रिप्शन एक से होती है डिक्रिप्शन एक से होती है, दोनों अलग अलग की होती हैं, तो ये सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक है। अब यहाँ पे पब्लिक की असिमेट्रिक की टेक्निक यूज़ हो रही है। प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय पब्लिक की, जो हमारे प्राइमरी जो एडवांटेजेस में ले हमें पब्लिक की से या सिमेट्री की, जैसे टेक्निक फॉर एप्लीकेशन रिलेटेड टू द की मैनेजमेंट इंक्लूड, इसमें की मैनेजमेंट में इंक्लूड है डिफरेंट सिंप्लीफाइड की मैनेजमेंट, ये एक टेक्निक है। ऑनलाइन ट्रस्टेड ओवर सर्वर नॉट रिक्वायर्ड इनहेंस फंक्शनैलिटी, ये तीन जो हैं डिफरेंट एप्लीकेशन इंक्लूड हैं की मैनेजमेंट में, तीनों वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्या हैं की मैनेजमेंट टेक्निक में। अब देखें सिमेट्री की है, सिमेट्री की मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही की यूज़ होती है जो कि सीक्रेट की होती है, या इनक्रिप्शन के वक्त भी वही यूज़ होती है और डिक्रिप्शन के वक्त भी वही यूज़ हो रही है। यहाँ से हमने टेक्स्ट भेजा, इंक्रिप्ट हुआ, इंक्रिप्ट से वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, साइफर टेक्स्ट से वो डिक्रिप्शन में गया और वहाँ से वो दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। इंक्रिप्शन के लिए भी एक ही की यूज़ हुई,
डिक्रिप्शन के लिए भी एक ही की यूज़ हुई, डेट इज सिमेट्री की जनरेटर, क्योंकि एक ही की यूज़ हो रही है, इसको सिमेट्री की जनरेटर कहते हैं। ठीक है, इस डेट इज कॉल्ड द की मैनेजमेंट। ठीक है, आगे देखें इसमें की मैनेजमेंट टेक्निक में सबसे पहले वो कह रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट से इनक्रिप्शन हुआ, साइफर टेक्स्ट में गया और फिर डिक्रिप्ट होकर प्लेन टेक्स्ट में गया। ठीक है, अब इसमें पब्लिक की यूज़ हो रही है, पब्लिक की और यहाँ पे प्राइवेट की यूज़ हो रही है। एसिमेट्रिक की पेयर जनरेशन है। एसिमेट्रिक की पेयर इसलिए कहते हैं कि इसमें दो की हैं, एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है। पब्लिक की के थ्रू हम इंक्रिप्शन करते हैं और प्राइवेट की के थ्रू हम डिक्रिप्ट करते हैं। अब ये देखें, ये साइन शो रहे हैं, वो कह रहे हैं सिक्योर चैनल। ये वाला जो चैनल है वो सिक्योर चैनल है, प्राइवेट एंड ऑथेंटिकेट है, ऑथेंटिकेशन इसकी हुई है। और ये वाला जो चैनल है वो सिक्योर चैनल है, इसमें ये प्राइवेट नहीं है लेकिन ऑथेंटिकेशन। अगर ये वाला साइन होता है तो प्राइवेट नहीं है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन होती है। और ये जो डॉटेड ये वाला लाइन है रन में अनसिक्योर चैनल, ये देखिए अब तीन है। अगर तो ये पूरा बना होगा तो इसको कहते हैं सिक्योर चैनल, इसमें प्राइवेट भी है और ऑथेंटिकेशन भी है। लेकिन अगर सिंपल बीच वाला बना होगा तो उसको हम कहेंगे सिक्योर चैनल है, लेकिन इसमें ऑथेंटिकेशन ओनली है, प्राइवेट नहीं है। और अगर दरमियान में सिर्फ ये लाइन जो डॉटेड है उसको हम क्या कहेंगे, अनसिक्योर चैनल है, नो प्रोटेक्शन, इसमें कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है और ये अनसिक्योर चैनल है। क्लियर, दिस इज़ अ पब्लिक की इंक्रिप्शन एंड दिस इज सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। ठीक है, एक सिमेट्रिक की टेक्निक यूज़ की है और एक हमने पब्लिक की इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ की है। आगे है की मैनेजमेंट टेक्निक, टेक्निक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्फिडेंशियल की, की लेयरिंग एंड सिमेट्रिक की सर्टिफिकेट। की लेयरिंग में क्या कौन कौन से आ रहे हैं, मास्टर कीज हैं, की इंक्रिप्शन कीज हैं और डेटा कीज हैं। मास्टर कीज में कीज एट द हाईएस्ट लेवल इन हायरार्की, हमारी हायरार्की में सबसे पहला जो लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल है, डेट इज़ अ मास्टर की। सेकेंड में की इंक्रिप्शन कीज में सिमेट्रिक की और इंक्रिप्शन पब्लिक की यूज फॉर की ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ अदर की। डेटा कीज में यूज टू प्रोवाइड क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन ऑन यूजर डेटा। सबसे हाई लेवल आ जाता है पहले, जिसमें हायरार्की में सबसे पहला लेवल आता है सबसे ये जो सुपीरियर लेवल है। सेकेंड में हमने देखना होता है कि कौन सी पब्लिक की और इंक्रिप्टेड पब्लिक की जो यूज़ हो रही है उसकी सारी ट्रांसपोर्ट, उसमें डेटा जितना भी स्टोर होता है उसको किस तरह यूज़ करते हैं। और डेटा कीज में यूज टू प्रोवाइड इन क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशन ऑन यूजर डेटा, डिफरेंट हम क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है की मैनेजमेंट टेक्निक में सिमेट्री की सर्टिफिकेट। सिमेट्री की सर्टिफिकेट प्रोवाइड द मीन ऑफ KTC यानी की ट्रांसलेटर सेंटर। सिमेट्री की सर्टिफिकेट प्रोवाइड अ मीन्स फॉर अ KTC यानी की ट्रांसलेशन सेंटर टू अवॉइड द रिक्वायरमेंट ऑफ आइदर मेंटेनिंग अ सिक्योर डेटाबेस ऑफ यूजर सीक्रेट और डुप्लीकेट सच एज डेटाबेस फॉर मल्टीपल सर्वर। या तो डुप्लीकेट्स डेटाबेस मल्टीपल सर्वर है या क्या है की ट्रांसलेटर सेंटर है और रिलेटिवली सच कीज फ्रॉम द डेटा बेस अपॉन ट्रांसलेटिंग रिक्वेस्ट। अब इसमें वो कह रहा है कि सिमेट्रिक की सर्टिफिकेट में कि सिमेट्रिक की सर्टिफिकेट हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है फॉर KTC। KTC जो है की ट्रांसलेशन सेंटर है, यानी हमारी जो की है उसकी ट्रांसलेशन सेंटर, यानी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारी चीज़ यूज होती है उससे अवॉइड उसकी रिक्वायरमेंट करने के लिए और उसको मेनटेन करने के लिए। ठीक है, और साथ क्या है यूज़र सीक्रेट, यानी जिसमें डुप्लीकेट डेटाबेस है जैसे मल्टी सर्वर है और रिट्रीविंग सच कीज फ्रॉम अ डेटाबेस अबाउट ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट, डिफरेंट रिक्वेस्ट जो हैं उनको रिट्रीव किया जा सके। की मैनेजमेंट टेक्निक में टेक्निक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पब्लिक की में क्या आ जाता है, ऑथेंटिकेशन ट्रीज आ जाते हैं, डिफरेंट ऑथेंटिकेशन हायरार्की आ जाती है, जैसे जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सी क्या क्या कैसे कैसे ऑथेंटिकेशन की जा सकती है। ऑथेंटिकेशन ट्रीज प्रोवाइड अ मेथड फॉर मेकिंग पब्लिक डाटा अवेलेबल विद वेरीफिएबल ऑथेंटिसिटी बाई यूजिंग अ ट्री स्ट्रक्चर इन कंजक्शन विद अ सूटेबल हैश फंक्शन एंड ऑथेंटिकेटिंग द रूट वैल्यू। ऑथेंटिकेशन जो है ट्रीज प्रोवाइड जो हमें करता है डिफरेंट मेथड करते हैं पब्लिक डाटा के लिए, जिसमें हमारी वेरीफिएबल ऑथेंटिकेशन होती है और डिफरेंट हम ट्री स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कंजक्शन के लिए।
ठीक है, उसमें हैश फंक्शन आपने पढ़ा है, हैश फंक्शन यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेटिंग और रूट वैल्यू। आगे पब्लिक की सर्टिफिकेट, डिफरेंट पब्लिक की सर्टिफिकेशन है। पब्लिक की सर्टिफिकेट्स आर व्हीकल बाय विच पब्लिक की मे बी स्टोर्ड। पब्लिक सर्टिफिकेट वो कह रहे हैं एक ऐसा व्हीकल है जिसमें हम पब्लिक की को स्टोर करते हैं, जिसमें हम उसको एग्जिस्ट करवा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और फॉरवर्डेड, डिस्ट्रीब्यूट हो या फॉरवर्डेड ओवर अनसिक्योर्ड मीडिया, अनसिक्योर्ड मीडिया के साथ विदाउट डेंजर ऑफ अनडिटेक्टेबल मैनिपुलेशन, या तो और ना ही वो डिटेक्ट हो सके ना ही वो मैनिपुलेट हो सके, ठीक है, विदाउट डेंजर ऑफ कि उसमें कोई इस चीज़ का डर ना हो कि वो अनडिटेक्ट हो रहा है या मैनिपुलेट हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ का हमें डर नहीं होना चाहिए तो वो डिटेक्ट हो रहा है या मैनिपुलेट हो रहा है। सॉरी हम कहाँ पे थे, या कि वो डिटेक्ट हो रहा है या मैनिपुलेट हो रहा है पब्लिक मे बी, और इसको स्टोर किया जाता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट और फॉरवर्ड आगे किया जा सकता है कि वो ऐसे अनसिक्योर्ड मीडिया में, कि हमें ये डर ना हो कि वो उसको कोई मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, अरे की मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें टू पब्लिक की सिस्टम है वो है आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम, आइडेंटिटी को हम वेरीफाई करेंगे। दूसरा है एसिमेट्रिक सिस्टम विद इम्प्लिसिटली सर्टिफिकेट पब्लिक की। आइडेंटिटी बेस्ड जो सिस्टम और एसिमेट्रिक सिस्टम विद इम्प्लिसिट सर्टिफिकेट पब्लिक की है, टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग की यू। अब किस तरह हम की यूज़ के कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी वो किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रही यूजेबल, हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। की सेपरेशन एंड कंटेंट्स ऑन की यूसेज इंफॉर्मेशन दैट मे बी एसोसिएटेड विद क्रिप्टोग्राफिक की इंक्लूड बोथ एट्रीब्यूट्स विच रिस्ट्रिक्ट देयर यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशनल यूज। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऑनर ऑफ की का ऑनर कौन सा है, वैलिडिटी पीरियड कितनी देर तक हमारी की वैलिड रहेगी, की आइडेंटिफायर किस तरह हम की को अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंटेंडेड यूज़ उसका इंटेंडेड यूज़ कैसे कर सकते हैं, स्पेसिफिक एल्गोरिथम कौन से एल्गोरिथम हम यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम और इन्वायरमेंट ऑफ इंटेंडेड यूज़, डिफरेंट हमारा सिस्टम है इन्वायरमेंट है उसका इंटेंडेड यूज़ क्या, और ऑथोराइज यूज़र ऑफ की उसका ऑथोराइज कौन सा है, नेम्स ऑफ एनिमीज एसोसिएटेड विद की जनरेशन, डिफरेंट की जनरेशन के थ्रू एसोसिएट किस तरह, रजिस्ट्रेशन किस तरह करवा सकते हैं, उसकी सर्टिफिकेट्स इंटेग्रिटी चेक्स हम उनकी डिफरेंट हम उसकी इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट चेक्स लगाते हैं की पे, ताकि हमारे लिए ये चीज़ें वेरीफाई हैं। ठीक है, तो ये जो है कि इन टेक्निक के थ्रू हम की को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वैलिडिटी पीरियड, हमारा की आइडेंटिफाई, टेंडेड यूज़, स्पेसिफिक डिफरेंट एल्गोरिथम को यूज़ करके हमारे की का ओनर, ये सारी हमारी मेंटेनेबिलिटी रहे और हम इसको कंट्रोल कर सकें कि हम इसको ठीक कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर, आगे की मैनेजमेंट टेक्निक में की सेपरेशन एंड थ्रेट ऑफ की मिसयूज़, किस तरह हम की सेपरेशन कर सकते हैं और डिफरेंट कीज़ को मिसयूज़ कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ की सेपरेशन इज दैट कीज़ फॉर डिफरेंट पर्पजेज शुड बी क्रिप्टोग्राफिकली सेपरेटेड, के द प्रिंसिपल ऑफ की सेपरेशन इज द प्रिंसिपल की सेपरेशन का प्रिंसिपल ये है कि की जो है डिफरेंट पर्पजेज में सेपरेटली यूज़ कर सके हैं। ठीक है, द थ्रेट ऑफ की मिसयूज़ कि की का अगर हमारा कहीं मिसयूज़, हमें ऐसा थ्रेट आ रहा है कि हमारी की का कहीं मिसयूज़ ना हो, मे बी एड्रेस पर टेक्निक विच इंश्योर डेट की आर यूज ओनली फॉर दोज पर्पस प्री ऑथोराइज एट द टाइम ऑफ, कि हम कुछ इस तरह की टेक्निक यूज़ करें कि वो हमें अश्योर कराए कि हमारी की का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम वो वाली टेक्निक यूज़ करें कि हम इंश्योर रहें कि जो हम की यूज़ कर रहे हैं उसको सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही यूज़ कर रहे हैं, उसको कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, यानी वो हमारे सेफ हैंड में है, या शॉर्ट वर्ड वो हमारे सेफ हैंड में है। टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग यूज़ ऑफ सिमेट्रिक की, ऐसी टेक्निक जो हमारी सिमेट्रिक की को कंट्रोल कर सकें। द मेन टेक्निक इज़ अ यूज़र ऑफ कंट्रोल वैक्टर, कंट्रोल वैक्टर प्रोवाइड अ मैथड फॉर कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ कीज़ बाई कम्बाइनिंग द
कंबिंग द आइडिया ऑफ की टैग्स विद मैकेनिज्म ऑफ सिंपल की नोटराइजेशन। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह की कंट्री जिसको कंट्रोल कर सके हमारी सिमेट्री की को, जिसमें मेन टेक्निक जो है हमारी क्या करनी है, कंट्रोल करना है वेक्टर्स को, कि जो हमारे मेथड्स हैं जो हम की को यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट टैग्स को, उन मैकेनिज्म को हम सिंपल रखें और हमारी की जो है सेफ हैंड में रहे। अगर हम कॉम्प्लेक्स अगर वो कॉम्प्लेक्स होगी तो वो किसी को अंडर सिंपल रहे, ताकि हमारी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से बच सकें, ठीक है, उसको हम किसी गलत हाथ में ना जाने दें, ठीक है। की मैनेजमेंट टेक्निक में वो कह रहे हैं कि थ्रेट्स को किस तरह मिसयूज़ करें। एक तो क्या है कि हम डिफरेंट ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि हमारा उसका पर्पज़ हो कि उसकी हमारी की को कोई मिसयूज़ ना करे, वो हमें एड्रेस करता रहे कि हमारी की जो है मिसयूज़ नहीं हो रही, जो कि जो ऑथेंटिकेशन पर्सन है जिसके पास ऑथेंटिसिटी है इस की को यूज़ करने की, वो इसको अपने सही पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जिस पर्पज़ के लिए की को यूज़ करना है, लेट सपोज इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हमने की को डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करना है, तो हमें ये टेक्निक हमें एड्रेस मिलता रहे कि हाँ ये की वाकई डिक्रिप्शन के लिए यूज़ हो रही है और जिस पर्सन को यूज़ करनी चाहिए वही पर्सन यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं कोई यूज़ कर रहा तो वो टेक्निक के थ्रू हमें फ़ौरन से अलार्म या कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो की है वो सेफ हाथों में नहीं है, उसका मिसयूज़ हो रहा है, या तो वो डिक्रिप्शन के लिए यूज़ हो रही है या इसको कोई अनऑथराइज पर्सन यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें ये अलार्म वगैरह मिल जाता है, ठीक है। और इसी तरह दूसरी में वो कह रहे हैं कि सिमेट्री की को कंट्रोल करना, उसमें सबसे मेन चीज़ है कंट्रोल वैक्टर्स को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, किस तरह नोटरीजेशन और सिंपल मैकेनिज्म टैग वगैरह को हम यूज़ कर सकते हैं। आगे की मैनेजमेंट टेक्निक में वो कह रहा है कि की मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग मल्टीपल डोमेन, डिफरेंट डोमेन मल्टीपल डोमेन्स में इन्वॉल्व होती हैं। डेफिनेशन, अ सिक्योरिटी डोमेन इज डिफाइंड एज अ सब सिस्टम। अ सिक्योरिटी डोमेन इज डिफाइंड एज अ सिस्टम अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल अथॉरिटी विच द एंटिटीज देयर इंटरेस्ट। जो सिक्योरिटी डोमेन है उसको इस तरह डिफाइन करें कि जब हमारा सब सिस्टम है, यानी सिस्टम है उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो हमारा सिस्टम उसका सब सिस्टम है वो अंडर कंट्रोल में रहे और सिंगल अथॉरिटी में रहे, यानी एक ही पर्सन उसको, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन भी ये पर्सन भी ये पर्सन भी, क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी। जो उसका सब सिस्टम है उसको एक ही पर्सन हैंडल करे उसके सारे सब पार्ट्स को, ठीक है। इस तरह हम डिफरेंट थ्रेट से भी बच सकते हैं और हमारा ट्रस्ट लेवल भी डेवलप हो जाता है। ट्रस्टेड बिटवीन टू डोमेन, डिफरेंट टू डोमेन में ट्रस्ट कैसे होता है कि टू पार्टीज ए एंड बी, ए के दो पार्टी ने बिलोंग द डिस्टिंक्ट सिक्योरिटी डोमेन डी ए एंड डी बी, दोनों की डिस्टिंक्ट सिक्योरिटी है, एक की डी है और डी बी है, विद रिस्पेक्टिवली अथॉरिटी टी ए और उनके पास अथॉरिटी है टी एंड टी बी, मे विश टू कम्युनिकेट सिक्योरली, दिस कैन बी रिड्यूस टू रिक्वायरमेंट डेट ए एंड आइदर बी शेयर अ सिमेट्रिक की, शेयर ट्रस्टेड की पब्लिक की, या तो हम सिमेट्रिक की शेयर कर सकें और ट्रस्टेड पब्लिक की शेयर कर सकें, ठीक है। इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, टू पार्टीज ए एंड बी बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट सिक्योरिटी डोमेन, डी ए है और डी बी है और उनकी जो हमारी अथॉरिटीज हैं टी ए टी बी है, उनको हमने रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करना है कि सिमेट्री की शेयर कर सकें और शेयर ट्रस्टेड पब्लिक की। की मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है, की मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में की मैनेजमेंट इज सिंपलेस्ट व्हेन ऑल क्रिप्टोग्राफिक कीज आर फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम, कि की मैनेजमेंट जो है सिंपली क्रिप्टोग्राफी को हम फिक्स कर सकें, क्रिप्टो पीरियड जो है नेसेसिटीज अपडेट उनको की कर सकें, ठीक है। की अपडेट नेसेसिटेट्स एडिशनल प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल, हमारे पास डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अपडेट करता है, ऑफन इंक्लूड कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी के साथ पब्लिक की सिस्टम के थ्रू वो कम्युनिकेट भी करता है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेट विच की मटीरियल प्रोग्रेस थ्रू ओवर इट्स लाइफ टाइम इज कॉल्ड द की मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल स्टेजेस में इंक्लूड, जिसमें कौन कौन सी स्टेजेस इंक्लूड हैं लाइफ साइकिल में, यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूज़र इनिशियलाइजेशन, की जनरेशन, की इंस्टॉलेशन, की रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल यूज़, की बैकअप, की अपडेट, आर्काइवल, की डू रजिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन, की रिकवरी एंड की रेवोक
रिवोकेशन। अब ये देखें कि यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आपको पता है कि उसको आपकी की मांगता है, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन मांगता है, इनिशियलाइजेशन मांगता है, की जनरेशन, किस तरह इंस्टॉलेशन की हम करते हैं, ठीक है, उसको नॉर्मल यूज़, उसकी बैकअप अपडेट, ये सारी जो हैं की लाइफ साइकिल है, इसमें हर चीज़। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें की जो आप एंटर करते हैं उसकी ये सारी लाइफ साइकिल होती है। उसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, इनिशियलाइजेशन भी, जनरेशन भी, उसमें नॉर्मल यूज़ भी, की बैकअप भी, की अपडेट भी, आर्क्यूअल भी, की डी रजिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन भी, और की रिकवरी और की रिवोकेशन भी। ये सारी जो हैं उसकी लाइफ साइकिल से गुजर के आती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अवर लेक्चर ऑफ की मैनेजमेंट, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे लेक्चर्स ख़त्म हो रहे हैं और इंशाल्लाह आप फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दीजिएगा, और फॉर फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चला जाएंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जो हैं वो लाइव क्लासेस लें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।